नमस्कार दोस्तों, मैं विनेश मालवीय। बात करेंगे सीटी एग्जाम के बारे में। सितंबर में भर्ती परीक्षा सिलेबस व 15 गुना अभ्यर्थी तय नहीं, कैसे करें तैयारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 12वीं और स्नातक स्तर की समान पात्रता परीक्षा सीटी करवाने के 3 माह बाद भी 15 गुना अभ्यर्थी की सूची जारी नहीं की गई है। नतीजा 20 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी तय नहीं कर पा रहे हैं कि सीईटी के तहत होने वाली भर्तियों में उन्हें एग्जाम का मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि बोर्ड ने अभी तक सीईटी के दोनों लेवल में रैंक की बजाय स्कोर जारी किया है, जबकि बोर्ड आगामी परीक्षा का कैलेंडर जारी किया जा चुका है। 9 सितंबर को सूचना सहायक की भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक सिलेबस भी जारी नहीं किया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षा में नया पैटर्न अपनाते हुए समान पात्रता परीक्षा लागू की। जनवरी व फरवरी में सीईटी करवाई गई। सीईटी स्नातक परीक्षा में 8.22 लाख और सीईटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में 11.24 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, यानी 20 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा को लेकर आगे का प्लान तय नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान के 20 लाख बेरोजगार युवा भर्ती को लेकर असमंजस में है। बोर्ड स्तर पर सितंबर में परीक्षा प्रस्तावित, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि किन अभ्यर्थियों को भर्ती में आवेदन का मौका मिलेगा। स्थिति स्पष्ट नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी के लिए उनके पास समय नहीं बचेगा। राधे मीणा, अध्यक्ष राजस्थान युवा बेरोजगार संघ। बोर्ड की मीटिंग में जल्द ही 15 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। सभी भर्ती परीक्षा समय पर की जाएगी। भर्ती परीक्षा की अन्य गाइडलाइन अगले सप्ताह तक जारी कर दी जाएगी। हरिप्रसाद शर्मा, कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि सीईटी की जो क्राइटेरिया है वो अगले सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद अभ्यर्थी अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं कि वो किस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि परीक्षा की विज्ञप्ति भी बहुत जल्द आने वाली है। जैसे पटवार है या जूनियर अकाउंटेंट या संगणक है, विभिन्न प्रकार की परीक्षा की विज्ञप्ति बहुत ही जल्द आने वाली है। उसको लेकर बहुत सारे एग्जाम ऐसे जो सीटी से बाहर है और कुछ सीटी के अंदर है, एग्जाम करवा रहे हैं, वो एग्जाम दे सकते हैं। तो इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।